हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं किचन से रिलेटेड, हेल्दी हाइजीन यूटेंसिल से रिलेटेड बहुत सारी ढेर सारी डील्स के बारे में। आज हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाने वाले हैं जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बेस्ट परफॉर्मिंग यूटेंसिल्स हैं। अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहते हैं, एक बेहतरीन तवा लेना चाहते हैं, नॉनस्टिक तवा ऐसा जो कि बिल्कुल रिवोल्यूशनरी होने वाला है, और उसी के साथ साथ टॉप लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। आज हम डिटेल में बात करेंगे इन यूटेंसिल्स के बारे में, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी डील्स जुड़ी हुई है इन यूटेंसिल्स से रिलेटेड उसके बारे में। तो जो भी प्रोडक्ट आ रहे इस वीडियो में, मैं आपको यहां पे सामने दिखाने वाला हूं। इन सब का खरीदने का, बाय करने का लिंक ओरिजिनल प्रोडक्ट का यहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहां पे नीचे आपको एक एरो मिल जाएगा, जिसको ओपन करेंगे तो आपको इन सब के बाय लिंक्स मिल जाएंगे, जहां से आप ऑल इंडिया में सेफली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि काफी ज्यादा यूनिक है और आपको पहली बार देखने को मिल रहा है, वो है कैरोटे का 26 सेंटीमीटर का मल्टीपर्पज तवा। ये जो तवा है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये तवा आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा। लगभग अगर इस तवे की मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो नॉर्मली इस टाइप के तवे इस समय 28 सेंटीमीटर के लगभग 1600-1700 से नीचे नहीं है, बट इस समय अगर आप ये परचेज करते हैं तो ये तवा आपको 1000 से 1100 के बीच में पड़ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 28 सेंटीमीटर, जो कि रोटी चिल्ला पराठे डोसे के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल साइज है। उसी के साथ साथ नीचे की तरफ से आपको मिल जाता है एक प्रॉपर बड़े साइज का इंडक्शन प्लेट, इंडक्शन बॉटम, और उसी के साथ साथ कैरोटे की मार्किंग। अगर इसकी मैं टेक्सचर की बात करता हूं तो यहां पे डबल साइडेड ग्रेनाइट फिनिशिंग मिलती है, कहीं भी इनर मेटल आपका एक्सपोज नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम ग्रेनाइट तवा देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ ग्रेनाइट फिनिशिंग होती है, नीचे की तरफ से नॉर्मल फिनिशिंग होती है, और बीच में एक मेटल एक्सपोज होता है जो कि बेस मेटल होता है। बट इसमें आपको कंप्लीट 360 डिग्री में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको एक्सपोजर नहीं दिखेगा इनर मेटल का, जिसकी वजह से इसकी कोटिंग ज्यादा ड्यूरेबल हो जाती है और इसको आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। अगर वेट बैलेंस की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाइट वेटेड तवा ये देखने को मिलता है, और इसके टेक्सचर की बात करी जाए तो हर तरफ से ये काफी बेहतरीन और कह सकते हैं टॉप क्वालिटी का लगता है। अब बात करते हैं इसके हैंडल की, तो हैंडल आपको वुडन टेक्सचर में मिलेगा जो कि देखने में बड़ा प्यारा लगता है, और साथ ही साथ जब भी आप इसको टच करेंगे तो एक सॉफ्ट टच जैसी फीलिंग आएगी। हालांकि ये रबरी नहीं है बट फिर भी इसमें काफी अच्छी सॉफ्ट टच फीलिंग आएगी। तो अगर ये तवा आप लेना चाहते हैं रोटी चिल्ला पराठा डोसे के लिए तो ये इंडक्शन बॉटम के साथ काफी अच्छा है, और आगे चल के इसके और भी सीरीज हम जरूर अनबॉक्स करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये काफी अच्छे ऑफर्स में था तो मैंने को लगा कि ये आपको जरूर दिखा देना चाहिए, और इसको आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। तो अगर ये तवा अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका भी बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे मिल जाएगा, जहां से आप इजीली इसको ऑल इंडिया के लिए परचेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे प्रोडक्ट की जो कि हर घर की रिक्वायरमेंट और बहुत ज्यादा परेशानी वाली चीज होती है, क्योंकि आप एक सही मिक्सर ग्राइंडर नहीं ले पाते हैं। मिक्सर ग्राइंडर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि हर घर में, या तो अगर अच्छा आ गया तो ये समझिए कि आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, और अगर मिक्सर ग्राइंडर प्रॉब्लम कर रहा है तो घर में आप किचन में चाहे जितने अच्छे यूटेंसिल यूज कर लीजिए, आपको परेशानी हमेशा फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा कौन सा मिक्सर ग्राइंडर है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, एक्स वाई जेड बहुत सारे ब्रांड्स मेरे को बताते हैं क्या ये मिक्सर ग्राइंडर अच्छा है, क्या ये मिक्सर ग्राइंडर अच्छा है, बट मैं आपको कहूंगा कि परेशान की जरूरत नहीं। पहली चीज तो इस समय इस मिक्सर ग्राइंडर में वो बेहतरीन ऑफर मिल रहा है जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर एक घर में ये मिक्सर ग्राइंडर होना चाहिए। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं एक बेहतरीन मिक्सर ग्राइंडर जिसकी परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब है कि जिन्होंने भी परचेज किया है वो उनके सेटिस्फैक्शन का कोई भी मुकाबला नहीं है, तो आज हम बात करने वाले हैं सुजाता के डायनेमिक्स मॉडल का, जिसमें 3 जार के साथ कंप्लीट मिक्सर ग्राइंडर आता है, जिसको आप 90 मिनट्स आप इजीली यूज कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ ये 100% मेड इन इंडिया ब्रांड है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये नॉर्मली आपको 20-25% डिस्काउंट में मिलता है, पर इस समय अगर आप यहां पे जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे और वहां से अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ये इस समय आपको मिलेगा 35% डिस्काउंट में। और ऐसी क्या खासियत है इस मिक्सर ग्राइंडर में, उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल जार के बारे में। अगर हम इस जार के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाकी जितने भी मिक्सर ग्राइंडर्स इसमें आते हैं वहां पे आपको ये नीचे का
पोर्शन आपको मिलेगा प्लास्टिक का, यहाँ पे आपको प्योर मेटल का ये नीचे का पोर्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ नीचे भी आपको जो कपलिंग मिलती है ये सब चीजें काफी अच्छी और बेहतर क्वालिटी की मिलती है, और उसी के साथ साथ जो स्टील यूज किया हुआ है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। लिड की बात करते हैं तो साइड में आपको यहाँ पे एक रबड़ मिल जाती है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से सील हो जाता है। ऊपर की तरफ से आपको होल मिल जाता है जिससे अंदर बाहर की एयर इसमें निकलती है, और यहाँ पे आपको मिलता है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चटनी जार जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से चटनी बन सकती है विद इंटैक्ट हैंडल। और बात कर लेते हैं हैंडल के बाद, अगर हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले मोटर की, तो यहाँ पे ये मोटर जो दी होती है ये 900 वॉट की डबल बॉल बेयरिंग की 100% कॉपर वाइंडिंग की मोटर मिलती है जो कि जान है इस मिक्सर ग्राइंडर की। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया का कोई भी मिक्सर ग्राइंडर इससे कंपेयर कर लेंगे, ये हमेशा अपनी परफॉर्मेंस, अपनी लॉन्ग लास्टिंग इनबिल्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। लोगों के पास 20 साल 20 ईयर्स से ये मिक्सर ग्राइंडर्स चल रहे हैं और आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 9,000, 10,000, 11,000, 8,000, 7,000 के भी अगर मिक्सर ग्राइंडर ले लें और उसके सामने ये 5,450 रुपीज़ का मिक्सर ग्राइंडर है, सिर्फ जरा सा मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसे प्राइस रेंज में है कि ये धुआंधार मिक्सर ग्राइंडर हर किसी मिक्सर ग्राइंडर को बीट कर सकता है। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कि कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड है इस मिक्सर ग्राइंडर से। सबसे पहला बेनिफिट मिलता है इसमें कहीं भी ऑटो कट नहीं होता, मतलब इसकी मोटर बहुत जल्दी गर्म नहीं होती है और ऑटो कट नहीं होती है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ये सेफ्टी कॉलर आपको मिल जाता है, ये ऊपर की तरफ जिसमें डायनेमिक्स लिखा है ये सेफ्टी कॉलर होता है जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से आप इस जार को बैठा सकते हैं। उसके बाद आपने अंदर नीचे की तरफ देखी होगी ये कपलिंग आपको मिल जाती है जो कि प्योर मेटल की होती है, तो ये कभी भी घिसती नहीं है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी और पावरफुल परफॉर्मेंस देती है। तो अगर आपने मोटर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 3 सेटिंग्स मिलती हैं जिसमें लो, मीडियम और हाई होता है, और उसी के साथ साथ अगर 2-3 सेकंड के लिए चलाना है तो यहां पे ये वाला भी ऑप्शन होता है जिसमें 2-3 सेकंड के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर चला सकते हैं। वारंटी की बात करी जाए तो 2 साल की वारंटी होती है, बट मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ढंग से यूज करेंगे तो 20 साल मिक्सर ग्राइंडर खराब नहीं होना है। अब बात करते हैं इसके बहुत ज्यादा यूनिक जार के बारे में, क्योंकि इसमें और भी मॉडल्स आते हैं बट मैं डायनेमिक्स मॉडल इसलिए आपको रिकमेंड करता हूं क्योंकि उसका ये जार भी काफी ज्यादा हैवी है और इसमें आप खड़ी हल्दी भी पी सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं खड़ी हल्दी भी थोड़े से छोटे पीसेस में काट के अगर इसमें तोड़ के अगर इसमें डालेंगे तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से पिस जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे ये देखिए कितनी अच्छी और बेहतर क्वालिटी में आपको सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर का ये जार मिलता है। नीचे वही मेटल मिलेगा और इसमें भी आपको अंदर के ब्लेड्स काफी अच्छे और थिक मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसकी परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है, और यहाँ पे आपको ये लिड मिल जाती है जिसको आप इजीली यहाँ पे इजीली अच्छे से क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये भी मिक्सर ग्राइंडर उसी तरीके से आपका लगेगा जैसे आपका ये आला लगता है, और यहाँ पे ये इजीली लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से ये लॉक हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको बात करते हैं जो बड़ा वाला जार आता है जिसको हम कहते हैं लिक्विड जार, यहाँ पे भी ढक्कन में भी सुजाता की मार्किंग आपको इजीली मिल जाएगी। और ये जो जार है ये लगभग 1.5 लीटर के आसपास में है, और यहाँ पे ये हैंड फ्री ऑपरेशन मिल जाता है, मतलब ये वाला अगर लॉक आप कर देंगे तो अब आपको हाथ से पकड़ना नहीं पड़ेगा। और अंदर की तरफ तो ये भी काफी लाजवाब क्वालिटी इनबिल्ट क्वालिटी में है, और साथ ही साथ इसके साथ आपको 2 यहाँ ब्लेड्स मिल जाते हैं जिसमें विस्किंग का ब्लेड दिया हुआ है। ये जो गोल ब्लेड है ये विस्किंग का है, और ये जो ये वाला ब्लेड है ये है क्रशिंग के लिए, अगर कभी आइस आपको क्रश करनी है तो मिला जुला के अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक अच्छी रिकमेंडेड मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहते हैं तो सुजाता ये मिक्सर ग्राइंडर मैं 100% और बहुत भरोसे के साथ आपको रिकमेंड करता हूं। अगर ये मिक्सर ग्राइंडर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जहां पे समय 35% डिस्काउंट है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी डील है इस टाइम के लिए, तो ग्रैब कर लीजिए क्योंकि इस टाइप का ये मिक्सर ग्राइंडर 6,000 से नीचे अब आगे नहीं मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे तवे की जो कि प्योर कास्ट आयरन का है, और उसमें मैं आपको दिखा दूं कि ये प्योर कास्ट आयरन का जो फ्यूचरा का तवा होता है ये आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू लॉन्च में मिलता है। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा बस मुझे। ये जो कास्ट आयरन का तवा है ये आप एज ए सिजलर प्लेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊं कि अगर इसकी वेट की बात करते हैं तो ये 1.5 kg के आसपास में मिलता है जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं। साइज कंपनी ने ऐसा दे रखा है जिसमें रोटी, चिल्ला, पराठा और ऑमलेट भी आप इजीली बना सकते हैं। तो 100% हेल्दी तवा है, कोई भी ऐसी कोटिंग नहीं दी हुई है जो कि अनहेल्दी हो। तो अगर आप एक ब्रांडेड तवा लेना चाहते हैं तो आपको ये फ्यूचरा का 24 सेंटीमीटर कास्ट आयरन तवा ले लेना चाहिए क्योंकि ये भारी भी नहीं है, यूज करने में भी बेहतर है, और साथ ही साथ मल्टीपर्पज गैस स्टोव में भी चल जाएगा, मतलब ये हॉट प्लेट पे भी कंपैटिबल है, इंडक्शन पे भी कंपैटिबल है, और साथ ही साथ 1.5 kg है जिसके लिए
कैरी करना आपके लिए काफी आसान है। अब बट लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आज मैं डील अब आपको बताने वाला हूं, ये उन चीजों से रिलेटेड है जैसे कि अगर आपको छोटे से लेके बड़े भगोने रिक्वायरमेंट होते हैं और साथ ही साथ काफी लोग को लगता है कि उनको एक हांडी परचेज कर लेनी चाहिए जिसमें आप इजिली राइस कुकिंग भी कर सकें। तो यहां पे सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप एक स्टैकेबल मतलब एक के अंदर एक रखने वाले पतीले लेना चाहते हैं, भगोने लेना चाहते हैं, तो हॉकिंग्स का ये ट्राईप्लाई पतीला जो कि 1.5 लीटर, 2 लीटर और 2.5 लीटर में अवेलेबल होता है, ये वाला जो मेट्रो पतीला आता है ये ट्राईप्लाई स्टील में आता है जिसमें खाना जलेगा नहीं, साथ ही साथ सिलिकॉन ग्रिप्स के साथ आता है जिसकी वजह से आप इसको इजीली इसके जरिए उठा के कहीं भी पोर कर सकते हैं। और ये जो आता है इलेप्टिकल इस तरीके से आता है, इलेप्टिकल शेप में आता है जिसमें इजीली आप यहां से पकड़ सकते हैं और कहीं भी आप इजीली गिरा सकते हैं इसको किसी भी दूसरे बर्तन में, और यहां से जब भी आप पकड़ से उठाएंगे तो इजीली आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं। और ये जितने भी पतीले आते हैं सेट ऑफ थ्री में भी आते हैं, सिंगल भी आते हैं, तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो काफी कम प्राइसिंग में आपको ये मिल जाएंगे। इसका भी बाय लिंक मैंने पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, मगर इसमें सिर्फ 3 ही साइज के आसपास अवेलेबल है जो छोटे साइजेस होते हैं और एक के अंदर एक इस तरीके से आ जाते हैं जैसे इसमें यहां पे दिया हुआ है। तो अगर आपको इस टाइप के पतीले की रिक्वायरमेंट है तो ये ट्राईप्लाई स्टील में बेस्ट ऑप्शन है कम रेट में। इसके बाद बात कर लेते हैं हॉकिंग्स की आने वाली हांडी के बारे में जो कि 3 लीटर, 5 लीटर और भी साइजेस में अवेलेबल है। अब ये वाली जो हांडी है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, चाहे कोई छोटा ब्रांड है चाहे कोई बड़ा ब्रांड हो, हर ब्रांड ट्राईप्लाई स्टील इसीलिए बना रहा है क्योंकि इस समय इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी परफॉर्मेंस का कोई मुकाबला नहीं है। प्रेस्टीज जैसी कंपनी, हॉकिंग जैसी कंपनी, विनोद जैसी कंपनियां सिर्फ फोकस कर रही हैं ट्राईप्लाई स्टील में क्योंकि सबसे पहली चीज है ये 100% हेल्दी है, दूसरी बात ये है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है जिसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं आती हैं। तो अगर आप एक हांडी लेने की सोच रहे हैं जिसमें आप राइस कुकिंग कर सकें, मल्टीपर्पज कुकिंग कर सकें और वुडन हैंडल में या साइड में मिले जिसमें कुक, सर्व एंड स्टोरेज का ऑप्शन मिल सके, तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लगभग 13% के डिस्काउंट में है और आपको ये काफी कम प्राइसिंग में मिल जाएगा एज कंपेयर टू अदर ट्राईप्लाई सीरीज। और यहां पे आपको ये हांडी शेप में मिलता है जो कि जल्दी भी कोई भी कंपनी इसको ऑफर नहीं करती है और सारे लगभग सारे साइजेस में ये अवेलेबल है। तो अगर आप ये हांडी लेना चाह रहे हैं तो इसका भी बाय लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जिसमें हॉकिंग्स की ट्राईप्लाई हांडी लिखा होगा तो उसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। बट यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है, लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर आप एक ऐसा भगोना लेना चाहते हैं जो कि इंडिया का बेस्ट ट्राईप्लाई स्टील का हो जिसमें 3 लेयर आपको स्टील मिलती है और साथ ही साथ ये इस समय आपको 33% डिस्काउंट में मिल रहा है, 5.2 लीटर का ये भगोना काफी अच्छे डिस्काउंट में है जो कि 3 लेयर का बना हुआ है। इनर सरफेस हेल्दी हाइजीनिक है, आउटर सरफेस इंडक्शन कंपैटिबल है, कहीं भी जॉइंट नहीं होता और साथ ही साथ ये नॉर्मली 20% डिस्काउंट में होता है बट इस समय ये 33% डिस्काउंट में है। और इसकी अगर कैपेसिटी की बात करी जाए तो इसकी कैपेसिटी 5.2 लीटर है, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने घर के लिए एक बेहतरीन, लाजवाब और बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टील का भगोना लेना चाहते हैं जो कि 3 लेयर का बना हुआ हो तो ये इस समय बेस्ट ऑप्शन है जो कि विद लिड आता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है मैं बता देता हूं, ये हर एक तरीके के कुकटॉप पे चल जाएगा, दूसरी बात है ये बाकी भगोने से ज्यादा बेहतर क्वालिटी का 3 लेयर का बना हुआ है, तीसरा बेनिफिट इसमें यह है इसमें कहीं भी अलग से बेस नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से ये कभी भी बेस निकलता नहीं, और साथ ही साथ ये आपके फ्रिज में भी इजीली इसको आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिजर में कोशिश करिएगा कि ना रखें, ऑब्वियसली कोई ऐसा काम होता नहीं कि स्टील को फ्रिजर में रखा जाए बट आप इसको इजीली फ्रिज में रख सकते हैं, कहीं भी हैंडल नहीं है जिसकी वजह से ये भी आपका काफी अच्छे से स्टैकेबल है। तो मिला जुला के मैं बताऊं जितनी भी आज आपको डील्स बताई हैं ये बहुत ज्यादा यूजफुल यूटेंसिल्स की डील है जो कि मुझे लगता है कि हर घर में कहीं ना कहीं अभी के सीजन में ये रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप भगोने की बात करते हैं तो तीनों ही भगोने आपको ट्राईप्लाई स्टील में मिलेंगे, अलग अलग साइजेस में स्पेशलिटी है इसकी, उसके बाद कास्ट आयरन का एक छोटा तवा जो कि बहुत भारी नहीं है, आप इसको अब्रॉड भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये इजीली स्टैकेबल भी है और प्योर कास्ट आयरन का है जिसमें कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी फैमिली में ये बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा किचन के यूज के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर की, ऑब्वियसली इंडिया के बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर सुजाता का डायनामिक्स आपको काफी अच्छे ऑफर्स में मिल रहा है और साथ ही साथ और आपको एक तवा जो कि आज आपको फर्स्ट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस किया है जो कि कंप्लीट आपको ग्रेनाइट फिनिशिंग में मिलता है, कहीं भी जो इनर मेटल है वो एक्सपोज नहीं होता है। तो ये सारी डील्स इस समय आप ले सकते हैं जिन जिन की आपको रिक्वायरमेंट है, तो देरी ना करिएगा, जिससे जितनी जल्दी से जल्दी अगर ये आप ले सकें वो ले लीजिएगा क्योंकि सबकी प्राइसिंग काफी अच्छी और जेन्युइन है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।